अमेरिकन इलेक्शन कमीशन को दरखास्त ग्रीन पार्टी की सदारती उम्मीदवार जिल स्टेन की जानिब से दी गई। जिल ने कहा कि वो रियासतों मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त करेंगी। रियासत मिशिगन में दोबारा गिनती की दरखास्त देने का आखिरी दिन बुध है, जबकि पेंसिल्वेनिया में इसकी दरखास्त के लिए पीर आखिरी रोज है। ट्विटर पर अपने पैगाम में विस्कॉन्सिन के इलेक्शन कमीशन ने तस्दीक की कि कमीशन को जिल की जानिब से वोटों की दोबारा गिनती की पिटिशन मौसूल हुई। कमीशन का कहना है कि वो इस सिलसिले में तफसीलात बाद में शाया करेंगे। इंतखाबात में वोटिंग हकूक पर काम करने वाले वकला ने उम्मीदवारों से कहा कि वो वोटों की दोबारा गिनती की मुहिम चलाएं। उनका कहना है कि दोबारा गिनती के नतायज का गौर से जायजा लिया जाएगा। अगर रियासत विस्कॉन्सिन में होने वाले इंतखाबात में नतीजा बदल भी दिया गया तो भी हिलेरी क्लिंटन सदर नहीं बन सकेंगी, क्योंकि विस्कॉन्सिन के सिर्फ 10 इलेक्टोरल वोट्स हैं।